11 अगस्त 2021 को संसद की मर्यादा गिराने के आरोप में 12 सांसदों को निलंबित किया गया है और उसमें शिवसेना की सांसद और उपनेता प्रियंका चतुर्वेदी भी है। आज तक ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए। लगाए जाते हैं कि उनकी वर्जन लें, यहाँ पर ना वर्जन लिया गया। सीसीटीवी के हिसाब से अगर आप सीसीटीवी फुटेज भी देखेंगे, वहाँ पे कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है। ये भी रिकॉर्ड हुआ है किस तरीके से मार्शल्स अभद्रता कर रहे थे, मेल मार्शल्स फीमेल एमपीज को धक्का-मुक्की कर रहे थे, वो सब एक तरफ और आपका डिसीजन एक तरफ। व्हाट काइंड ऑफ अनरूली बिहेवियर इज दिस? अनपार्लियामेंट्री अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर इज दिस? कहा गया जो हिंदी में प्रियंका जी क्या हो गया? किसी ने मुझसे पूछा था, किसी ने कहा प्रियंका जी आपका नाम आया है सीसीटीवी, आप आइए अपनी एक्सप्लेनेशन दीजिए। How can they decide my career and my choices like this? They cannot do this. This is unheard of in a democracy. And what rules are they talking about? What rules are these? Aren't you aware of the rules? तो आप क्या चेयरमैन से क्या करेंगे अब आप आगे? I will be speaking to the chairman, but that this is extremely unfair. This is extremely undemocratic. This is a way to silence the opposition voices. This is trying to take our voices away on important bills that are going to be coming up for discussion. And this suspension does not hold good under any legal purview as per my understanding. And I'm going to take this up. I will talk to the chairman first. That is what my rules, my understanding of rules are. Then I'll take it. क्या मतलब आपको पहले नहीं बताया गया कि आपका नाम भी इसमें है? मुझे नहीं इंफॉर्मेशन मिली, न्यूज चैनल्स पे चल रहे थे सीसीटीवी फुटेज। अगर उनके आधार पे ये निर्णय ले लिए जाते हैं तो आई विल चैलेंज देम एंड आई विल कंटिन्यू टू चैलेंज द गवर्नमेंट व्हिच ट्राइज टू साइलेंस द वॉइस। तो प्रियंका चतुर्वेदी साफ कह रही हैं कि वो इस आदेश के खिलाफ हैं और इसको चुनौती देने पर अब विचार कर रही हैं, क्योंकि उनसे इस बारे में राज्यसभा में नहीं पूछा गया, किसी समिति ने नहीं पूछा। इस खबर पर रहेगी नजर, फिलहाल एक ब्रेक, देखते रहिए आज तक।